नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। लड़ाई भले ही रूस और यूक्रेन की हो रही हो, लेकिन इसने भारत के राजनीतिक आकाओं की पोल खोल कर रख दी है। राजनीति के महत्वाकांक्षी आकाओं की तरफ से भारत को विश्वगुरु होने का दावा किया जाता है, लेकिन ये कैसा विश्वगुरु है जो अपने ही बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहा है। यूक्रेन और रूस की लड़ाई में करीब 18,000 से अधिक भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हुए थे। देश की व्यवस्था की बात आगे करेंगे, पहले आप इन बच्चों के हालात से वाकिफ हो लीजिए जो पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन गए हुए हैं। वो मिलने वाली नहीं है। हमने ये कुछ वीडियोस देखी हैं, जब अभी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम एमबीसी को कॉल कर रहे हैं, एमबीसी हमें कॉल हमारी कॉल नहीं उठा रही है। सेकंड थिंग, हम लोगों को बात करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं हो पा रहा। हम सिर्फ यहाँ पे फंस चुके हैं, जिस जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं जो कल रात को हंगामा करते हैं, वो गेट तोड़ते हैं, देन उसके बाद अंदर आने की कोशिश करते हैं। क्या होता है हमें कुछ भी नहीं पता, यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं पता जो हमारे साथ सिचुएशन। लेकिन जब अभी कुछ टाइम के बाद हमने सोचा कि हम यहाँ से निकलते हैं, और हम यहाँ से किसी तरह निकलते हैं बाय ट्रेन, क्योंकि हम बाय ट्रेन निकले या फिर हम बसेस निकले, कार से निकले। कार से अभी जस्ट मेरे एक दोस्त ने बताया है मुझे कि जो बच्चे यहाँ से निकले हैं कीव से बाय कैब और बाय बस, उनको रशियन पीपल्स ने, रशियन आर्मी ने पहले स्टक किया, उन पर फायरिंग करी और उनकी लड़कियों को लेके, उन इंडियंस लड़कियों को लेके गए, पता नहीं कहाँ लेके गए, ये किसी को कुछ नहीं पता, सिर्फ लड़कियों को, और लड़कों का कुछ पता नहीं है। सेकंड थिंग, ये रोमानिया बॉर्डर में अभी हमारे हमें वीडियोस मिल रही हैं, उन वीडियोस में दिखाया जा रहा है कि रोमानियंस आर्मी वहाँ पे उन्हें मार रही है और उनके साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रही है। तो प्लीज, अब कहाँ गए हम, तो मूवीज में देखते थे ना, योगी जी मोदी जी जो भी हैं, प्लीज, हम वीडियोस देखते थे ना, हमें बचाया जाता था, ऐसे हमारे अंदर ये रहता था कि हमें बचा लिया जाएगा, बट अभी हमें नहीं लगता कि हमें कुछ बचाया जाएगा, शायद पता नहीं हमारे साथ क्या हो। प्लीज गवर्नमेंट, आप जो भी हो, जहाँ भी हो, प्लीज हमें आगे बचाओ, या फिर आप प्लीज यहाँ पे बाय एयर कुछ भी भेजो, इंडियन आर्मी को यहाँ पे प्लीज भेजो, तभी शायद हमारे साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि हमें, हम बच सकते हैं। बाकी हमें नहीं लगता कि हम यहाँ पे बचेंगे, या फिर हम यहाँ से कहीं जाना हमारे लिए सेफ है, और हम जहाँ पे हैं ये भी हमारे लिए सेफ नहीं है। सो प्लीज, जय हिंद जय भारत, प्लीज आप हमारी हेल्प करो, प्लीज जो भी सुन रहा है, जो भी देख रहा है, इस वीडियो को शेयर करो और हर जगह भेजो। एमबीसी हमारी कॉल नहीं उठा रही, हमने उसकी वीडियोस भी बनाई, हम उन्हें कॉल कर रहे हैं, वो हमारी कॉल कट कर दे रहे हैं, वो हमसे कोई बात नहीं कर रहा। तो सब प्लीज, जो भी इंडियंस देख रहे हैं, प्लीज हेल्प करें। ये वीडियो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। इस वीडियो के साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन से आ रहे भारतीय छात्र छात्राओं के वीडियो मन को बहुत ही ज्यादा व्यथित करने वाले हैं। इन बच्चों को भारत वापस लाने के लिए जो कुछ भी बन पड़े करिए, भगवान के लिए उन्हें वापस लाइए, पूरा देश इन छात्र छात्राओं और उनके परिवार वालों के साथ है। पहले तो देश के इन जाबाज नेताओं का शुक्रिया जिन्होंने संकट के इस घड़ी में एकजुटता दिखाई है, लेकिन विश्वगुरु का अस्तित्व आखिर कहां बिखर गया कि इनके बच्चों को इतनी बड़ी संख्या में विदेश में जाकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। यूक्रेन कोई एकलौता देश नहीं है जहां इतनी बड़ी संख्या में बच्चे देश छोड़कर पढ़ाई करने जाते हैं। इसके अलावा भी अमेरिका, कनाडा, लंदन, जर्मनी, स्वीडन, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया जैसे कई देशों के साथ साथ चीन में भी बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं। फिलहाल यूक्रेन में अकेले 18,000 के करीब ऐसे बच्चे फंसे हुए हैं जो पढ़ाई करने गए थे और अपने वतन वापस आना चाहते हैं।